बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाह पाक के फजल से, उसके करम से आज वाली साहब पहले से और ज्यादा बेहतर हैं। आज ऑपरेशन के बाद ये दूसरा दिन है और काफी स्टेबल हैं और सारे पैरामीटर्स भी बिल्कुल स्टेबल हैं। बल्कि अब तो कल दिन में 11 बजे से वो सब वेंटिलेटर वगैरह सब हटा दिया गया है। हजरत माशाल्लाह खुद खाना खा रहे हैं और आज काफी देर तक बैठे हुए थे, एक्सरसाइज भी किया उन्होंने, बलून वाली एक्सरसाइज भी किया और बिल्कुल मेडिकली अगर देखा जाए तो कहीं कोई किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये आप सबकी दुआएं हैं जो बिलाशुबा रंग लाई। अल्लाह ताला आप सबको जजाए खैर अता फरमाए और उन तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मदीने मुनव्वरा में, मक्के मुकर्रमा में, बगदाद शरीफ में, अजमेर मुकद्दस में, कछौचा शरीफ में, सारी बारगाहों में जिससे जहां बना उसने दुआ की। और यकीनन आप लोगों की दुआओं का ये समरा है कि डॉक्टर हजरात भी खुद हैरतजदा हैं कि इतनी क्विक रिकवरी कैसे हो रही है। तो यकीनन ये दुआ का फल है। अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल फरमाए। यूं ही मेरे वालिद को दुआ में खास याद रखें। इंशाल्लाह कल वालिद साहब अपने प्राइवेट रूम में आ जाएंगे और उसके बाद 2 से 3 दिन मजीद यहां रहेंगे, फिर इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।